श्रीनाथ जी गुरु जी को लखादेश, माँ भगवती को लखादेश, रांची वाले भैरव बाबा को लखादेश, आप सभी को आदेश आदेश। तंत्र मार्ग कलयुग में एक ऐसा मार्ग है, या ऐसा बोलो कि चारों युगों में यह मार्ग श्रेष्ठ रहा है कि महामाया के हर प्रकाष्ठा तक आप पहुँच सकते हैं। वो शक्ति की प्रकाष्ठा हो, धन की प्रकाष्ठा हो, या वो आध्यात्मिक की प्रकाष्ठा हो, सभी की प्रकाष्ठा पर आप पहुँच सकते हैं अगर आप तंत्र मार्ग को अध्ययन करें और इसका अनुसरण करें। रावण, उससे बड़ा तांत्रिक कोई नहीं, उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं, और रावण का भाई जो यक्षराज था कुबेर, उसने अनंत धर्म धन की जो है प्राप्ति की थी, उसी का सोने का लंका था जिस पे रावण ने बाद में आधिपत्य जमाया। उसने भी तंत्र मार्ग से ही इतना जो धन है उसका अर्जन किया था। तो मुख्य रूप से अष्ट योगिनी की साधना उन्होंने की थी, ठीक है। तो आठ भागों में मैं अष्ट योगिनी की आप लोगों को विद्या बताऊंगा, और अगर अष्ट योगिनी की सारी साधनाओं को आप भी कर लेते हैं तो धन की आपके जीवन में कमी नहीं होगी। कौन कौन है अष्ट योगिनी? पहली अष्ट योगिनी है सुर सुंदरी, दूसरी है मनोहरा, तीसरी है कनकवती, चौथी है कामेश्वरी, पांचवी है रति सुंदरी, छठी पद्मिनी, सातवी नटिनी और आठवीं मधुमती। आप देखेंगे कि यक्षिणियों का भी यही नाम होता है, ठीक है, लेकिन हम यक्षिणियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं योगिनी की। आपको जो साधना में सामग्री लगेगी वो एक भोजपत्र लगेगा, ठीक है, और थोड़ा सा कुमकुम लगेगा, इससे यंत्र बनेगा। इसके अलावा जो है शुरुआती साधना के काल में आपको जो सामग्री होता है, जो पूजा में प्रयोग होता है, जैसे धूप, दीप, नवेद, गंध, चंदन और तांबुल जो है वो इसमें निवेदन करना होता है, ठीक है। जब ये मंत्र सिद्ध हो जाता है और जब भगवती जो है वो आ जाती है, योगिनी भगवती ही होती है, आप उसको किसी भी रूप में आप रखेंगे, ठीक है, लेकिन वो है एक देवी, इसका हमेशा ध्यान आपको रखना है, ठीक है ना। तो जब भगवती आती है उस समय भगवती को बहुत उत्तम पदार्थ कुछ दिया जाता है जो आपके हिसाब से बहुत उत्तम हो, और उत्तम चंदन लगा करके, जो बहुत अच्छे और शुद्ध चंदन हो, उसको फूल पर छिड़क करके भगवती के तरफ प्रस्तावित करते हैं। तो ये सारी सामग्री है जो आपको लगेगी। इस साधना को कैसे करते हैं? तो सुबह सुबह उठ जाएंगे, ये साधना जो है तीनों संध्या में करना है, मतलब सुबह भी करेंगे, दोपहर भी करेंगे और रात्रि में भी करेंगे, ठीक है। सुबह उठेंगे, स्नान ध्यान करेंगे, ठीक है, गायत्री का पाठ कर लेंगे, मतलब संध्या वंदन भी कर लेंगे, जो नित्य कर्म है उससे आप जो है निवृत्त हो जाएंगे। उसके बाद पूजन शुरू करेंगे, सबसे पहले आचमनी करेंगे सिर्फ एक बार रोंग बोल करके, ठीक है। उसके बाद दिग्बंध, जो दसों दिशाओं का बंधन है वो करेंगे, ओम हुम फट ऐसा बोल करके दसों दिशा में चुटकी बजाएंगे तो दिग्बंध हो जाएगा, ठीक है। और फिर एक मूल मंत्र है उसका 1000 बार जाप करेंगे। ये जो 1000 बार जाप है ये तीनों संध्या में करेंगे एक महीने तक, ठीक है। लेकिन मूल मंत्र के जाप से पहले पहले जो है हम लोग कर्णयास कर लेंगे, जो उंगलियों पे करते हैं, है ना, कैसे करेंगे, रांग अंगुष्ठाभ्याम नमः, रांग कनिष्ठकाभ्याम नमः, रांग मध्याभ्याम नमः, ठीक है, ऐसे ही पांचों उंगली का जो है कर्णयास कर लेंगे। और उसके बाद एक भोजपत्र लेंगे, भोजपत्र पर एक अष्टदल बनाएंगे कुमकुम से। अष्टदल कमल कैसे बनेंगे? तो बीच में एक सर्कल बनाएंगे और उसके ऊपर जो आठ कमल की पंखुड़ियों की तरह जो है पंखुड़ी बना लेंगे। तो ये हमारा जो है ये यंत्र बन जाएगा, इसमें कोई मंत्र या बीज अक्षर नहीं लिखना है, ठीक है। भगवती का जो ध्यान होता है
वो उस यंत्र को देखते हुए करना है। उसी में जो जो हम लोगों ने सामग्री रखी है ना पूजा के लिए, धूप दीप नैवेद्य, वो इसी यंत्र को दिखाना है और इस यंत्र की तरफ देख के भगवती का ध्यान करना। सुरसुंदरी योगिनी कैसी होती है? वो जगत प्रिया है, मुख जो है चंद्रमा के समान है, ठीक है, और शरीर जो है गौरव वर्ण का है, ठीक है, बहुत तरीके का जो वस्त्र और अलंकार है विचित्र रूप का, उससे वो सुसज्जित है। विचित्र इसलिए कहते हैं कि जो हम मनुष्य अपने हिसाब से सोचते हैं वैसा उनका वेशभूषा और उनका जो अलंकार है वो नहीं होता, तो बिल्कुल अलग तरीके का वस्त्र और आभूषण से सुसज्जित है, ठीक है, और जो ऊपरी शरीर है वो बिल्कुल ही उन्नत है और अभय मुद्रा में बैठी है। पीठे देवी समावाहा, ध्याये देवी जगत प्रियम पूर्ण चंदम निभाम गौरीम विचित्राम्रम धारिणीम, मतलब विचित्र वस्त्रों को धारण करने वाली है, ठीक है, और इस तरीके का ध्यान करके, और जो पहले धूप दिखाएंगे, फिर दीपक दिखाएंगे, फिर नवेद जो है वो चढ़ाएंगे, गंध चढ़ाएंगे, मतलब इत्र अगर कोई है, चंदन चढ़ाएंगे, और बाद में तांबुल जो है उसको प्रसाद के रूप में हम लोग भगवती को निवेदित कर देंगे, ठीक है। इसमें जाप का बड़ा महत्व है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ध्यान ध्यान जिस तरीके से भगवती का बताया गया कि आपको जब भी भगवती का ध्यान करना है तो उस ध्यान को जो है उस यंत्र को देख के ही करना है, और जब नवेदा भगवती का चढ़ाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ तांबुल मतलब पान यही आप नवेद में चढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। इतना करने के बाद जो मूल मंत्र है, ओम ह्रीं आगच्छः सुर सुंदरी स्वाहा, ओम ह्रीं आगच्छः सुर सुंदरी स्वाहा, ओम ह्रीं आगच्छः सुर सुंदरी स्वाहा। इस मंत्र का 1,000 आप जाप करेंगे, और ये तीनों संध्या के समय करेंगे, मतलब 3,000 जाप एक दिन में ये पूरा क्रिया को करते हुए, लेकिन जो यंत्र स्थापना है वो एक ही बार होगा, ठीक है। ये साधना जो है आपको 1 मास तक करना है, 1 महीने तक करना है, 1 महीने का मतलब 30 दिन आप करेंगे, ठीक है। अंतिम दिन जो है जब आप साधना पूर्ण कर लेंगे तो बलि निवेदित करेंगे, ठीक। बलि निवेदित में क्या होता है? बलि निवेदित में चाहे तो आप कोहड़े की बलि दे सकते हैं, खीरे की बलि दे सकते हैं, जो मांसाहार को मानते हैं वो मांसाहारी बलि दे सकते हैं, ठीक है। और भगवती के लिए जो श्रृंगार सामग्री है वो आपको यंत्र के सामने जो है समर्पित करके भगवती से प्रार्थना करना है कि हे भगवती, मैंने जो है साधना संपूर्ण कर लिया है तो अब आप मुझे ध्यान दें। जब ये आप पूर्ण रूप से कर लेंगे पूर्ण, अच्छा, इसके अलावा जो साधनाओं में नियम होता है वही नियम रहेगा। अगर आप गृहस्थ हैं तो आप किसी भी हाल में क्या कहते हैं जो बलि देंगे वो शाकाहारी बलि ही होगा, आप मांसाहार नहीं दे सकते हैं, ठीक है। जो औघड़ है वो दे, जो घर में रहते हैं वो जो गृहस्थ नियम है उसका पालन करते हुए और निरामिष भोजन नहीं करेंगे, ठीक है, शुद्ध रहेंगे, है ना। और कोशिश ये करना चाहिए कि जहाँ पे आप साधना कर रहे हैं उसी स्थान पर आप अपना जो है शयन रखें, ठीक है। तो इतना करने के बाद क्या होगा, अर्धरात्रि के समय जो है सुर सुंदरी योगिनी जो है, अगर समझ गई कि आप में वो साधना करने की शक्ति है और उनको झेल सकते हैं, ऐसी आपके पास शक्ति है, तो वो प्रसन्न हो करके आपके सामने आ जाएंगी या फिर निद्रा में आपको वो दिखाई देंगी, ठीक है। अगर निद्रा में दिखाई दी तो उसका मतलब है कि आपको साधना फिर से करना होगा, लेकिन अगर आपको सामने से दिखाई दी तो एक पुष्प रखना है जिसमें कि चंदन लगा के रखेंगे, वो उनके सामने जो है आप अभिलाषित करें, उनको दें और बोले कि हे भगवती हमें वर दो। तो आप भगवती को वर के रूप में चाहे तो उनको माता के रूप में रख सकते हैं, अपनी बहन के रूप में रख सकते हैं या पत्नी के रूप में रख सकते हैं। मातृभाव में अगर भगवती आती है, आप उनका भजन करते हैं,
तो वो बहुत तरीके के मनोहर जो द्रव्य है वो आपको प्रदान करती है। राजनीति में आप सफल हो सकते हैं, आपको राजपाट मिल सकता है, ठीक है। और वो प्रतिदिन उसके बाद आपके पास आएगी, और जैसे पुत्र का लालन पालन करता है वैसे ही भगवती आपकी आपका लालन पालन करती है। अगर बहन के रूप में आप भजन करते हैं, उनको बहन के रूप में प्राप्त करते हैं, ठीक है, तो बहुत तरह का पदार्थ और वस्त्र आपको वो देगी, जो भी इच्छा पूर्ति है ना। दिव्य कन्या आपके आसपास रहेंगी, नाग कन्या आपके पास रहेंगी, ठीक है। भूत भविष्य और वर्तमान का जो घटना है वो भी आपको इस यक्षिणी की साधना, मतलब इन योगिनी की साधना से आपको मिल सकता है, ठीक है। और अगर पत्नी के रूप में आप बसते हैं तो आप राजाओं के लिए भी पूजनीय हो जाते हैं, ठीक है। आप अलग अलग लोकों में विचार कर सकते हैं, विचरण कर सकते हैं, बिना आपको मतलब कोई रोक टोक नहीं होगा, ठीक है। और बहुत तरह का जो है उसमें जो उच्च स्तर के साधक हैं उनको बहुत तरह के लाभ होता है, लेकिन आम साधकों को ये सब नहीं करना चाहिए, उनको माता या बहन के रूप में ही इनको सिद्ध करना चाहिए। क्योंकि एक सिर्फ इन्हीं योगिनी का साधना आपको नहीं करना है, इसके अलावा आपको क्या कहते हैं, सात और योगिनियों की साधना करनी है, तो उसी हिसाब से आप साधना को करेंगे। आज के लिए इतना ही, इस साधना को करें, इसका अगर प्रत्यक्ष नहीं भी देखेगी तो सिर्फ इस साधना को करने से आपको जीवन में अत्यंत लाभ होगा। आज के लिए इतना ही, रांची वाले भैरव बाबा आप सभी को सिद्ध साधक बनाए, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना। आप सभी को आदेश आदेश अलाक आदेश। देवराज सेव्यमान पावनाग्रि पंकजं व्यालय यज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं।